नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैप ट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो है टोटली डिफरेंट, क्योंकि आज जाएंगे एक प्रॉपर्टी को देखने के लिए। जब भी आप अपने घर के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। हमारे दोस्त हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी है जिसको एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर्स फ्रॉम गुरुग्राम, बहुत पीसफुल, बहुत शांतिप्रिय जगह, शहर की खिचपिच और धूमधड़ाके से दूर हम जा रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, जहाँ से अगर हम बात करें तो आपकी फैमिली, आपके पेट्स, आपके घर के लोग, बी इट सीनियर सिटीजन्स, किड्स, दे विल बी वेरी हैप्पी। ये है मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर्स है, यानी कि कनेक्टेड है ये। यहाँ से मुंबई अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1400 किलोमीटर्स, मथुरा वृंदावन अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर्स, आगरा इज अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स, मे बी लेस देन दैट। कंपनी इज ऑलरेडी रेप्यूटेड, द नेम ऑफ द कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल पार्क, लोकेटेड जस्ट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम गुरुग्राम, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसेस, वेरी वेल डन, एक्सट्रीमली आर्टिस्टिक एंड क्लासी। विल फिगर आउट लेआउट से हम समझेंगे कि क्या क्या एमिनिटीज़ हैं जो बिल्डर ने दी हैं। सॉलिड कंस्ट्रक्शन, बेस्ट ऑफ द एमिनिटीज़ इंक्लूडिंग क्लब, जिम्स, टेम्पल्स एंड ब्रॉड रोड। लेट्स बिगिन दिस अबाउट द बेसिक्स ऑफ द फ्लैट। फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे जी? चलिए, तो फर्स्ट फ्लोर के लिए भी लिफ्ट है। All right. Okay. Let's get in. अभी अभी मेरे ख्याल से बनने तैयार हुआ है। अभी हैंड ओवर हो गया है। हाँ। अच्छा। कोई कौन सी कंपनी का एलिवेटर लगाया है? एले। ओके। चलें, अब आप बताएं हमें थोड़ा थोड़ा। ये फर्स्ट फ्लोर है ना? ओके, सो चलिए भी अंदर से देखते हैं, है ना? ठीक है। सो द मोमेंट यू एंटर, सामने एक फ्रंट वॉल है फॉर प्राइवेसी। राइट में टर्न लेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली पूरा फ्लैट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आप देखें, एक है राइट और एक है लेफ्ट। राइट साइड में जितनी भी एमिनिटीज़ हैं उनमें है एक स्पेस फॉर ड्राइंग रूम, यहाँ पे एल कॉर्नर डाल सकते हैं, और काफ़ी सारा स्पेस है, अप्रॉक्सीमेटली 10x10 के आसपास जो एरिया आपको चाहिए। यहाँ पर आप अपना एक डाइनिंग सेट लगा सकते हैं, और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर, और बैल्कनी भी है साथ में। सो इन केस यू वॉन्ट टू हैंग आउट एंड हैव कॉफी विद योर पार्टनर, यू कैन ऑलवेज डू दैट। प्राइवेसी के लिए ऑफकोर्स, बिकॉज ये एरिया ऐसा है जो थोड़ा सा इट्स नॉट वेरी नॉन फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एरिया। सो यू हैव दिस एंड देन किचन, एल कॉर्नर, ओपन किचन कॉन्सेप्ट। टाइल्स ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं, आप अपने हिसाब से चेंज भी करा सकते हैं ना। अच्छी जहाँ विट्रोफाइड टाइल्स हैं। और एक्सेसरीज कौन कौन सी हैं इसमें? मिक्सर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, फंक्शनल है सारा, बस आपको छोड़ जी। न्यू फ्लैट, बिल्कुल अभी रिसेंटली हैंड ओवर हुआ है। अच्छा, चलिए ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको किचन कैबिनेटरीज बनानी है अपने स्टोरेज अपने पर्पस से, अपनी जरूरत के हिसाब से। ये जो प्लेस दिया हुआ है ये है आपका स्टोव के लिए, उसके ऊपर आप चिमनी लगा सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए लेफ्ट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ओपन किचन में होती है वेंटिलेशन के लिए, तो उसके लिए कंपनी ने यहाँ पे एक विंडो भी दी है जिसमें आप एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं और विंडो को ओपन कर सकते हैं। विंडो फेसिंग होगा थोड़ा सा, लेकिन अगर आप इसको बंद करना चाहें तो यहाँ पे चिमनी के लिए स्पेस दिया हुआ है। ये बहुत टेम्प्रोरी अरेंजमेंट है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज करा सकते हैं। एंड कलर, एवरीथिंग, सब पीओपी। अच्छी, सबसे अच्छी बात यह है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बॉक्सेज नहीं है, है ना, जिगजैग या बॉक्सेज जिसको बोलते हैं, बहुत बीम पिलर होते हैं ना आजकल के कंस्ट्रक्शन में। हाँ, बहुत क्लियर स्पेसेस जाता है। छोटा सा ये एक गेस्ट रूम है जिसका साइज वो अप्रॉक्सीमेटली 12x8, और क्वीन साइज बेड यहाँ पे डालते हैं क्योंकि गेस्ट रूम को यहाँ पे एक चाहिए बेड। और साथ में अगर टर्न अराउंड करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बीम है बस एक, यहाँ पे छोटा सा टीवी यूनिट आ जाएगा, और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से पूरा। यू आर कनेक्टेड विद द होल सोसाइटी, और प्राइवेसी के लिए यू कैन हैव योर ओन कर्टन्स यहाँ पे, इसको लगा के आप इसको बंद कर सकते हैं। वेरी वेरी नाइस फ्रेंच विंडोज हैं ऊपर से नीचे तक, PVC विंडोज वाइट कलर की। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। पूरा अंडरग्राउंड वायरिंग है एंड यहाँ से कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली? एक मिनट, 11x3.5। अच्छा साइज है बालकनी का। ओके, गुड़गांव जैसे शहर में सबसे ज्यादा लोग जो परेशान होते हैं वो बालकनी ना होने की वजह से। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे होने का एक और बेनिफिट है। ये साइज भी अगर आप देखें तो ये भी कम से कम 4x3 की बालकनी होगी, है ना। चलिए, विल गो टू द नेक्स्ट साइड नाउ, उस तरफ चलते हैं हम। दिस इज टू साइड ओपन।
अच्छा तो पीछे पार्क फेसिंग नजर आ रही है। ये तो प्रिविलेज वाला हो गया ना, ये तो बेसिकली है ना, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है फॉर द पार्क फेसिंग। तो इधर टू साइड ओपन एंड दिस इज आल्सो अरावली राइट साइड देयर इज आल्सो शाम को अरावली यूज भी दिखे। चलिए पहले हम मास्टर बेडरूम देखते हैं जहाँ पे वुडन फ्लोरिंग है, एक्शन टेसा का डार्क ब्राउन कलर जो है वो अभी इन्होंने फिलहाल अपने हिसाब से कर दिया है बिल्डर ने, यूनिफॉर्म कलर। डोर्स की क्वालिटी चेक करें तो डोर्स भी बहुत अच्छे हैं। ये है प्राइवेट वॉशरूम मास्टर बेडरूम से लगा हुआ है, इसकी कंडीशन देखें। अच्छा 100% टाइलिंग डन, ऊपर हमने डक्ट कंसील किया हुआ है पूरा प्लम्बिंग एंड जितने भी हैं, और WC है रेडी, वॉश बेसिन भी रेडी है। ओके अब इस बालकनी में जाएंगे, उधर से घूम के हम आते हैं। यहाँ पे भी पूरी कंसील्ड वायरिंग है, टेक्सचर है, ऑफकोर्स पेंट आपको चेंज कराना होगा अपनी मर्जी के हिसाब से। ये क्या रूम है? सेकंड रूम। अच्छा पर्पस? कोई भी पर्पस यूज कर सकते हैं, किड्स रूम के लिए, किड्स रूम के लिए कर सकते हैं। अच्छा ये जो कॉमन वॉशरूम है इसका सुपर गुड। ओके नाइस, बिल्कुल फ्रेश है अभी ये, है ना, पूरा घर अभी तक कोई रहा नहीं है इसमें। ओके किड्स रूम है इसका क्या साइज होगा अप्रोक्सीमेटली? 1, 2, 3, 4, 5 का ठीक है। एक रैप अराउंड जैसी बाउंड्री है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे UPVC विंडोज हैं पूरे में, और ये व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा बालकनी में लाइट भी है। ओके यहाँ से ये लोग, ये वाला रोड मानेसर जाता है मेरे ख्याल से। हाँ जी हाँ जी, ये पूरा जितना भी नीचे देख रहे हो सब पार्क है। कौन सा ये रोड जो है? हाँ नीचे जितना भी ये रोड जा रहा है सारा पार्क, पूरा ये रोड है या पार्क है? ये पार्क बनेगा, पार्क बनेगा। अच्छा ये कौन सा फेज आ रहा है पीछे, मतलब पीछे एक और आ रहा है ना पार्क? ये भी पार्क 5 है। ओके यहाँ से हम लोग एग्जिट लेंगे, जैसे हमने बताया था शुरू में कि एंट्री उधर से है जो आपका मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे वो उस तरफ से है। ओके जो हमने शुरू में दिखाया था। ओके यहाँ से ये किड्स रूम और ये कनेक्टेड है, ये यूटिलिटी स्पेस की तरह है एक्चुअली। यहाँ पे टैप भी दिया हुआ है, यहाँ पे अपनी आप वॉशिंग मशीन यूज कर सकते हैं, और क्लोथिंग के ड्राइंग के लिए अच्छा है ये, राइट? यस। अब इस सोसाइटी के कुछ बेसिक फीचर्स हैं वो बता दें क्विकली। जीरो पोल्यूशन है यहाँ पे, किसी तरह का कोई एयर पोल्यूशन नहीं, कोई साउंड पोल्यूशन नहीं, वेरी पीसफुल, वेरी क्वाइट, लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी स्टेइंग हियर, काफी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी रह रहे हैं। काफी स्पेशियस है एंड आई लाइक इट बिकॉज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्कूल्स भी पास में है, हॉस्पिटल भी पास में है, सेंट्रल पार्क की एक सोसाइटी है यहाँ पे, गॉडरेज नेचर्स पास में है, और ये गुड़गांव में ही समझ लीजिए इसको, है ना, कितना किलोमीटर होगा? अच्छा जैसे सिग्नल क्रॉस करेंगे मतलब टोल नाका, उसके तुरंत बाद में है ये। और वेंटिलेशन कितना अच्छा है इसमें, टू साइड ओपन होने की वजह से बहुत सारी विंडोज है, राइट? और टोटल स्क्वायर फीट एरिया कितना है ये? इसका 1100 स्क्वायर फीट है, और काफी कॉम्पैक्ट होने के बावजूद भी, मतलब काफी कम स्पेस होने के बावजूद भी कॉम्पैक्ट दिखता नहीं है क्योंकि लेंथ में ज्यादा है, राइट? ठीक है डन। और बेसिक अमेनिटीज में देखें तो फैंस, टैप्स, बाथरूम एक्सेसरीज, मॉडल किचन, ये सब आपको मिलेगा, सब कुछ इसमें लगा हुआ है ना। ठीक है डन। डोर्स की क्वालिटी भी एक बार चेक कर लेते हैं, फ्लश डोर्स हैं ये? अच्छा है नाइस, मतलब रेडी टू मूव है आई थिंक, कोई जरूरत नहीं है, कलर पेंट कराइए। टाइल्स कौन से लगे? ये विट्रीफाइड टाइल्स। अच्छा फ्लोर में। आप कुछ कह रहे थे सॉरी, क्या आप नेक्स्ट डे ही मूव कर सकते हैं? अच्छा एंड प्राइसिंग बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू गुड़गांव में, आपको कुछ भी दो करोड़ से नीचे मिलता नहीं। बिल्कुल हाँ ठीक बात है, मतलब आप पर स्क्वायर फीट एरिया देखें तो इसकी वैल्यू गुड़गांव के हिसाब से मिनिमम से मिनिमम 1.5 से आ रहा होगा, है ना? बट हम ऑफर कर रहे हैं कितने में? 90 लाख। ठीक है 90 लाख रुपए विचित नेगोशिएट। ठीक चलिए ठीक है, सो 90 लाख इज द प्राइस दैट कैन बी नेगोशिएट लिटिल बिट। डीलर नंबर नहीं है जिसका, ओनर नंबर, ओनर नंबर जो है हम स्क्रीन पे दे देंगे हमारे व्यूअर्स के। चलिए ठीक है, आई थिंक इट्स अ गुड प्रॉपर्टी, तो जो हमारी इंटेंशन थी वो पूरी हो गई, वी वांटेड टू एक्सप्लोर अ प्रॉपर्टी कि लोग किस तरह का घर बना रहे हैं अभी और क्या प्राइसिंग चल रहा है। चलिए लेट्स गो बैक, चलें वापस। ओके एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो मुझे लगता है जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को हम बताना चाहिए हमें, कि पार्किंग के लिए स्पेस नहीं मिलता। लुक एट दिस, कितनी पार्किंग है इसके साथ में? यहाँ पे आप वैसे तो एक गाड़ी की पार्किंग मिलती है, बट आप 2-3 इजी लगा सकते हैं, बाहर बहुत स्पेस है। अच्छा बाहर भी लगा सकते हैं। ओके चलिए बाहर देख लें एक बार। हाँ जी चलिए अब गाड़ी की तरफ ही चलते हैं क्योंकि हमें जाना है वापस। मजा आता है जब पोल्यूशन नहीं होता ना ऐसी जगहों पे। आसपास सारा अरावली में फार्म हाउसेस हैं, अरावली हिल्स हैं, बाकी पूरा ग्रीन एरिया है। चलिए कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो वो माला लगी है वहाँ लोग रह रहे हैं, और वहाँ कपड़े सूख रहे हैं वहाँ भी लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे भी कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। अच्छा चलिए सो ये अच्छा यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 10% का ऑक्यूपेंसी है यहाँ पे अभी लोग।
अप्रॉक्स 30 फीट का रोड मिलता है दोनों टावर्स के बीच में। 30 फीट का रोड है ये। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे थे यहाँ पे भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, चलिए, मेरी नॉलेज थोड़ी सी लिमिटेड है बाकी चीजों के बारे में, लेकिन जिनको आप कॉल करेंगे वो आपको बाकी जानकारी दे देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लब हाउस, स्विमिंग पूल अब तो कॉमन है हर जगह। अच्छा, क्लब हाउस भी है इसमें? क्लब हाउस, स्विमिंग पूल भी है। ओके, चलिए लेट्स गेट इन।